Good morning, welcome all of you. Class 4th EVS, chapter number 7, Natural Resources, yani ki Prakritik Sansadhan. Let's continue now. Today we'll do part number 3, Forest. There are many areas where plants and trees have been growing on their own for hundreds of years. हमने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे क्या होता है बहुत पुराने पुराने सैकड़ों वर्ष पुराने जो होते वृक्ष होते हैं पेड़ होते हैं तो बहुत सारे एरियाज़ में पेड़ जो होते हैं वो अपने आप ही सैकड़ों वर्षों तक बड़े होते रहते हैं स्वयं से भोजन बना के. दीज एरियाज आर कॉल्ड फॉरेस्ट. तो अब जो पुराने एरिया है जहाँ पे कोई घर मकान नहीं होते हैं और वृक्ष होते हैं बड़े होते रहते सौ सौ साल पुराने वृक्ष होते हैं केवल पेड़ ही पेड़ पौधे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट यानी वन यानी जंगल. फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब फॉरेस्ट भी क्या होते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एंड यूज़फुल टू अस और हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं. दे गिव अस टिम्बर फ्यूल गम कैन medicines, firewood and various types of fruits. अब देखिए जो पेड़ होते हैं उनसे हमें लकड़ी मिलती है ईंधन बहुत सारे मिलते हैं गोंद है दवाइयाँ हैं लकड़ी मिलती है जलाने के लिए तो बहुत सारी महत्वपूर्ण सामग्री जो है वो हमें वृक्षों से प्राप्त होती है. टिम्बर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. और जो टिम्बर है वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से हम कह सकते हैं कि संसाधन है जो कि हमारे काम आता है बहुत उपयोगी होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर. जो टिम्बर होते हैं लकड़ी होती है बड़े बड़े गठर वो जब हम मकान बनाते हैं उसमें कोई फर्नीचर है तो इन सब के काम आता है. वुड पल्प इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर. और जो लकड़ी होती है उसका जो गुद्दा होता है तो उनसे भी हम क्या पर लुगदी बनती है लुगदी से पेपर बनते हैं. फॉरेस्ट सेव द सॉइल फ्रॉम बीइंग एरोडेड. और जो फॉरेस्ट होते हैं जंगल होते हैं वो क्या करते हैं मृदा अपरदन इरोशन हम कहते हैं ना सॉइल इरोजन यानी जो मृदा को उड़ने से भी बचाते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स. और जो जंगल में जंगली जानवर होते हैं वो उनको भी शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं. They keep the air clean and the climate cool and pleasant. और वृक्ष क्या करते हैं हवा को स्वच्छ बनाते हैं वातावरण को शुद्ध करते हैं. Forest provide us oxygen which is very important for all living being. और पेड़ पौधे क्या करते हैं हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. We should कंजर्व आवर फॉरेस्ट. हमें अपने जो फॉरेस्ट है जंगल है वन है उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए क्योंकि देखिए हमें कितनी महत्वपूर्ण सामग्री वहाँ से मिलती है. पार्ट में हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.